क्या किसी इंसान को मरने के बाद भी देखा जा सकता है? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जो इंसान मर चुका है उसे कैसे देखा जा सकता है। पर क्या हो अगर आपको कोई इंसान कुछ दिन पहले दिखाई दे, लेकिन बाद में पता चले कि वो इंसान तो महीनों पहले मर चुका है, तो सोचिए क्या हाल होगा आपका। सोच कर ही अजीब लगता है, और शायद आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा सच में हुआ है। यह एक ऐसी घटना है जिसने सभी को हिला कर रख दिया था। दरअसल यह घटना है हैदराबाद के कुंदन बाग इलाके की। साल था 2002 का। हैदराबाद के कुंदन बाग इलाके में एक घर था जिसमें चार लोग रहा करते थे, पति पत्नी और उनकी दो बच्चियां। वे सब यहाँ आराम से जिंदगी गुजार रहे थे, पर एक दिन घर का मुखिया अपनी पत्नी और दो बच्चों को छोड़कर कहीं चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। अब बच्चों की जिम्मेदारी माँ पर थी। वे तीनों उसी घर में रहा करती थी, पर पड़ोसियों ने देखा कि वे तीनों बहुत अजीब बर्ताव करने लगी थी। वे ना किसी से बोलती ना बात करती, तीनों घर में ही रहती, घर से बाहर भी बहुत कम निकलती थी। पड़ोसियों को अजीब तब और लगा जब उन्होंने दोनों बच्चों को घर के बाहर खून से भरी बोतलों से खेलते देखा। वहीं उनकी माँ रोज रात को घर से एक थैला लेकर निकलती जिसमें से खून टपकता रहता। वे कुछ दूर जाती और कचरे में वह थैला फेंक कर घर चली जाती और फिर पूरा दिन बाहर नहीं निकलती। सभी को यह देखकर और अजीब लगता कि वे ना तो घर से बाहर निकलती और ना कोई घर में आता। फिर वे जीने के लिए जरूरी सामान, खाना वगैरह, ये सब कहाँ से लाती थी? कई बार पड़ोसी उनसे पूछने और बात करने की कोशिश करते, पर वो किसी से बात नहीं करती और चुपचाप अपने घर के अंदर चली जाती। उनके इस बर्ताव के कारण पड़ोसियों ने भी उनसे बातचीत करना बंद कर दिया। वहीं रोज रात को भी उनके घर से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक रात वो हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए। आधी रात को एक चोर चोरी करने के लिए उस घर में घुसा तो जो नज़ारा उसने देखा, उस चोर के होश उड़ गए। वह चोर तुरंत ही उल्टे पैर वहां से भाग खड़ा हुआ, पर उसकी किस्मत खराब थी। घर से बाहर निकलते ही उसे पुलिस ने पकड़ लिया। उस चोर ने डरते हुए पुलिस को बताया कि उस घर में ऊपर वाले कमरे में तीन लाशें पड़ी हैं। यह सुन पुलिस तुरंत उस घर में पहुंची और पाया कि सच में उस घर में तीन लाशें थीं, दो बच्चियां और उनकी माँ। पुलिस का पहला शक उस चोर पर था। पुलिस को लग रहा था कि इस चोर ने ही चोरी करने के लिए तीनों को मार दिया। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना ने पूरी कॉलोनी में हड़कंप मचा दिया। वहीं जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो उससे पुलिस भी हैरान रह गई। रिपोर्ट से पता चला कि वे तीनों शव 6 महीने पुराने हैं, यानी उन तीनों की मौत रात में नहीं बल्कि 6 महीने पहले हुई थी और 6 महीने से शव उसी घर में पड़े थे। जब यह बात पुलिस को पता चली तो पुलिस तुरंत उस इलाके में पहुंची और पड़ोसियों से पूछताछ करते हुए बताया कि उनकी मौत 6 महीने पहले हो चुकी है। यह बात सुनकर पड़ोसियों के पैर के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई हो। उन्होंने पुलिस को बताया कि ये हो ही नहीं सकता कि उनकी मौत 6 महीने पहले हुई हो। पुलिस ने इसका कारण पूछा तो पड़ोसियों ने बताया कि वे पिछले 6 महीने से रोज उन तीनों को देख रहे हैं। यहाँ तक कल शाम को ही उन तीनों को सबने देखा था। पुलिस भी यह समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसे संभव है। जिनकी मौत 6 महीने पहले हो चुकी है उन्हें रोज लोग कैसे देख रहे थे? पुलिस की कई कोशिशों के बाद भी इस आह से पता नहीं उठ पा रहा था। हालांकि घर से शव मिलने के बाद वे तीनों दिखना बंद हो गए थे, पर उस घर से रोज रात को अजीबोगरीब आवाजें अभी भी आ रही थी, जिसकी शिकायत लोगों ने पुलिस से भी की, पर पुलिस की जांच में वहां कुछ नहीं मिला। पर कुछ दिन बाद उस वीरान घर की दूसरी मंजिल पर रात में एक बल्ब जलता पाया जाता। जब पुलिस को इस बात का पता चला तब पुलिस ने उस घर की लाइट कटवा दी, लेकिन फिर भी हर रात वह बल्ब अपने आप जल जाता। बिना लाइट के वह बल्ब कैसे जलता है ये आज तक एक रहस्य है। इन घटनाओं के बाद इस घर को भूतिया समझा जाने लगा। कई लोग इस घर के बाहर अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव करते हैं। कई लोग आज भी इस घर से अजीबोगरीब आवाज आने की बात करते हैं। लोगों का मानना है कि 6 महीने तक जिन तीन लोगों को वे देख रहे थे दरअसल वह उन तीनों की आत्माएं थीं। कई लोग इस घर के बाहर अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव करते हैं। वहीं कई लोग आज भी इस घर से अजीबोगरीब आवाजें आने की बात करते हैं। इस घर में किसी के भी जाने पर रोक है। डर खत्म करने के लिए रोज रात को पुलिस यहाँ पेट्रोलिंग करती है। इस घर को लोग कुंदन बाग हाउस और कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस के नाम से जानते हैं। इस जगह को हैदराबाद की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।